खबर वाराणसी से। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में कला मेले का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया मेले का उद्घाटन। उन्होंने ललित कला विभाग को हर संभव मदद का दिया भरोसा। इस मौके पर कुलपति समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। मेले में लाल किला, स्वतंत्रता सेनानी, विद्यापीठ के संस्थापक व हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी की देखने को दूर दूर से अन्य विश्वविद्यालय से लोग भी आ रहे हैं। युवाओं में इस मेले को लेकर काफी उत्साह है। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। हमारे कृष्णा जी पूर्व छात्र, इसे आग्रह करूंगा कि प्रोफेसर प्रेमचंद विश्वकर्मा सर को कृपया ध्यान दें, जो लोग रेड कलर की चेयर ले रहे हैं कृपया वो लाकर के स्टेज के पास रख दें। स्टेज के पास से जो भी चेयर ले वो लाकर के आप वहीं पे रख दें। अब से कुछ ही पल में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और हमारे वॉलंटियर ध्यान दें, चेयर तो चुप करवाए वो तुरंत। चेयर व्यवस्थित करवाएं और जितने लोग भी चेयर पर बैठे हैं मैं उनसे विनती करूंगा कि हमारे गेस्ट आने के बाद वो जगह जरूर दें। गोपाल कहेंगे हो इस चीज के बाद गोपाल जी क्या कुछ आपको खास लग रहा है इस जगह जब आप आए हैं? देखिए, मैं यहाँ का विद्यार्थी भी रहा हूँ और इस संस्था को हमेशा देखता रहा हूँ। ये संस्था हमेशा ही देश को एक दिशा देने का काम करती रही है ललित कला में।
और आज ही उसी दृष्टि में ये आगे बढ़ रही है। मेरी सभी विद्यापीठ परिवार से जुड़े हुए पुरातन नवीन वर्तमान के छात्र छात्राएं गुरुजनबिंद सबको शताब्दी वर्ष की ढेर सारी शुभकामना है। वही शुभकामना के अवसर पर मुझे बुलाया गया था, मैं सौभाग्य समझ करके यहाँ पर आया। यहाँ पर चित्रकला प्रदर्शनी देखा, फैशन डिजाइनिंग देखा और भी चीज़ें देखी और कलाकारों की। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ मैंने एक चीज़ देखा, माटी कला बोर्ड जिसको लेकर आदरणीय योगी जी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और माटी कला बोर्ड को अपने माटी के पर काम करने वाले लोग कलाकारों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उस पर यहाँ पर काम बड़ा अच्छा चल रहा है। उसको हमने कहा है यहाँ के विभाग के लोगों से कि उसको देख करके बताएं तो उस पर हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। सरकार में है और ये जगह काफी उपेक्षित हो गया बनारस में, जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं कहीं उपेक्षित नहीं भैया। अपने स्तर से यह भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर बगल में है। भारत माता मंदिर के सुंदरीकरण के लिए हम लोगों ने पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में जब सरकार बनी उनकी, उसके बाद ही तुरंत हृदय योजना के तहत इसमें धन आवंटित किए। भारत माता मंदिर का सुंदरीकरण हुआ, यहाँ पर जहाँ खड़े हैं आप ये सभी चीज़ें उसी निधि से हुई और आने वाले दिनों में भी जो जरूरत पड़ेगी प्रशासन द्वारा बताया जाएगा, हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लगा लीजिए सब लोग। नमस्कार, और आप देख रहे हैं TST न्यूज और मैं आपके साथ कुलदीप, और मैं इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में खड़ा हूं और यहां पे 2 दिवसीय मेला लगा हुआ है और यहां पे विभिन्न प्रकार के चित्र बना हुआ है और आज लगभग 1 बजे के आसपास नीलकंठ तिवारी यानी वर्तमान विधायक और कैबिनेट के मंत्री जो नीलकंठ तिवारी के कर कमलों द्वारा आज यहां पे ओपनिंग हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहां पे विभिन्न प्रकार से रंगोली बनाई गई है। और आपको बता दें कि यह मेला लगभग 15 दिनों से लगातार तैयारी छात्र दिन रात मेहनत करके किए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे चीज़ें आपको देखने के खुद समझ में आ जाएगा कि ये तस्वीर क्या कहना चाहती है। बनारस के घाट से लेकर सारे मंदिरों को यह एक तस्वीर में सजो दिया गया है। इस तरीके से आज मेला का ओपनिंग हो चुका है और लगातार इस मेला को देखने के लिए दूर दराज से युवक और युवतियाँ आ रहे हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ ऐसे तस्वीरें हैं जो बहुत दिल को छू जाने वाली रही हैं। आपको बता दें कि एक तस्वीर यहाँ पे, तस्वीर नहीं कहेंगे उसको, मूर्ति कहेंगे, और उस मूर्ति यह है कि एक अपने बच्चे को ली हुई है और एक तरफ जानवर को ली हुई है। यह मूर्ति सभी लोगों को बहुत भा रहा है और आपको बता दें कि यह मूर्ति वाकई बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जिसने भी बनाया है बहुत अपनी कला को दिन रात मेहनत करके बनाया हुआ है। और आपको बता दें कि ललित कला विभाग में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर और जूनियर से लेकर सीनियर छात्र इसमें दिन रात मेहनत करके इस मेले को सफल बनाने में लगे हुए हैं।